अच्छी नहीं, लेकिन ये इनके पास से जो टीम साइकिल का टीम मैनेजमेंट के बेहतरीन बल्लेबाजों की है, सुसज्जित है, अगर सही था अपनी गेंद पर अपनी क्षेत्र में गेंद को कैरी करना मुश्किल वाला काम होता है राजा जी बिल्कुल, लेकिन प्रीतम क्या है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है और उसी बल्लेबाजी का जो प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं वो मैदान में दिखा रहे हो और बेहतरीन शॉट पर खिलाड़ी मौजूद नहीं, प्रीतम वाकर से बाहर देखते हुए और एंट्री है सीमा रेखा के बाहर चली गई है हवाई फायर छह रनों के लिए और क्रिस रॉय को भी मैदान पर जाना है लेकिन गुरु कहते तो एक पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 चार विकेट के नुकसान पर टीम साइड के खिलाफ है हम आपको क्या बताएं डर लगते हैं और हो सकते हैं अच्छे अच्छे गेंदबाजों के जब प्रीतम क्या है क्या करेंगे गुरु आप देखिए तो अभी तक 14 रन के विनीशों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन आप यही कह रहे होंगे कि प्रीतम प्यारे को अपनी नजर को टिकाना होगा डालना होगा और पारी को चलाना होगा क्योंकि जितने भी दर्शक आए हैं वो एक बेहतरीन नजारा देखने के लिए आए हैं बल्लेबाज को देखा है और प्रीतम प्यारे लिए भी कई संसद तैयार है ये बद्री बनाए क्रिकेट क्लब है और बद्री क्रिकेट की मरीज कप्तान है और इनके लिए भी कोई ना कोई इन्होंने कार को निकाली होगी और अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज के लिए भी ला रहे हैं अब आमिर को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है देखिए मुकद्दर का सिकंदर वही होता है जो अपना काम करता है मैं काली या पुराने इतिहास को लेकर किसी का विवरण ज्यादा नहीं करता हूँ बड़ा काम इन्होंने किया और विजय बनने के लिए यही कंडीशन से निजात दिला देना ये अपने आप में महानता का काम होता है यहाँ किस प्रकार अपने आप को सिद्ध करते हैं प्रीतम आमिर आए हैं लंबा बॉलिंग रहना था इनका जय श्री राम ठाकुर राहुल भाई करना पड़ता है आपके लिए मैं सचिन महान को मानता हूँ मैं विराट को मानता हूँ आमिर अभी तक हमें रवि भाई ने बताया है 9 विकेट अभी तक अपने नाम कर चुके हैं जमीनी के फिर से गेंद प्रोटेक्शन है मौजूद एक रन नेट की वजह से लाइव कट गया था फिर से दोबारा शुरू कर दिया है जी बिल्कुल और आपकी हर निष्पक्ष समय क्योंकि जब हम इस मंच पर बैठते हैं तो स्वागत खाते हैं इस मंच की नाम में तैयार हूँ और नाम में मेरा मैं जो हूँ तो चल रहा है उसी का और एक बार ध्यान में चल पड़े हैं और बेहतरीन गेंदबाजी आलू की गेंद को देखकर बिल्कुल यही लगता है कि गेंद गिर गोल से हो रहा है टूर्नामेंट हो रहा है चल रहा है गेंद और प्रीतम प्यारे ने हल्के हाथों से फुल कर दिया है लेकिन प्रशांत खड़े हैं वहां पर बिल्कुल दीवार बने और प्रशांत की बेहतरीन फील्डिंग के एक रन के साथ उनकी टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन सारे ओवर के लिए इस ओवर की हम बात नहीं कर रहे हैं और जो आमिर है गेंदबाजी पर करी क्योंकि एक गेंदबाज के पास होना कहते हैं ये बढ़िया स्किल है यहाँ जैसे मौका है एक मौका है बना है मौका बिल्कुल पांचवा झटका लगता हुआ और टीम आगे उदास होगी निराश होगी हताश होगी क्योंकि उनका जो बल्लेबाजी का काम है तो शुरुआती बल्लेबाज है तो आज ही ज्यादा टीम पहले पहुंच चुकी है और
कहे जाते हैं, बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। कमेंट करके बताएं यहाँ से क्या होगा। जो दर्शक दर्शक निर्भर बैठे हैं और हमारे इस टूर्नामेंट की शोभा आ रहे हैं, उन समस्त शर्माई क्रिकेट प्रेमियों का हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हमारी पूरी की पूरी आयोजन कमेटी की ओर से, कमेंट्री बॉक्स की ओर से, कृपाण भैया की ओर से, संजय राजा मराठा की ओर से अनंत राजा भाई, इनको मैं माथे का तिलक कहता हूँ। ये जो नहीं है मान और शान, इसलिए खेल है, इसलिए कार्यक्रम है और इन्हीं के लिए है। तो चलते हैं, ये 5 विकेट के निशान पर रहे। सही कहा हरलाल, 48 छठे ओवर तक खेल चल रहा। आगे की बिल्कुल लगाउट में पहुंच चुकी है। निराशाजनक के शुरुआत सभी तक नहीं सुलझ पाया है और इसके साथ गुरु भाई का बल बलवान सर के बल बलवान सर भी सहारा किया है अंपायर ने और साथ में भाई पूर्ण रूप की सर के काफी ऊपर से गई थी, छाया था, उनका बाउंसर के साथ स्वागत हुआ था। लेकिन अगर बात करें आमिर की, तो एक आमिर बेहतरीन गेंदबाज है, क्योंकि इस अंदाज में आमिर गेंदबाजी कर रहे हैं। हल्की सी गेंद उनकी बाहर भी जाती है, अंदर भी आती है, गेंद गिरती है तो सर के ऊपर चली जाती है और हल्के हाथों से दबा देते हैं तो शाम के अंदर भी चली जाती है। क्या कहने की गेंद बिल्कुल सम्मानीय पूरी तरह से गेंद, ये ओवर बहुत शानदार रहे अभी तक रहा है आमिर के द्वारा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और हमारे समस्त मंचासीन सम्मानीय अतिथि हमारे गांव खड़ेरी से श्री प्रभुभाई मिसाली, श्री हरिराम पवन पटेल, श्री राजीव कुमार हुसैन एवं कनाडी से पधारे भाई कनाई पटेल जी, कृष्ण जी हमारे धीम पटवारी श्री गोविंद पटेल जी, पूर्व यूनिवर्सिटी क्रिकेट दल के कप्तान एवं भगवान सरस्वती शिशु मंदिर प्रधानाचार्य श्री नंद किशोर पटेल जी, श्री कृष्ण गोपाल आर जी, श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी, श्री पंडित श्री रवि भाई जी, श्री लक्ष्मण आर जी, श्री घनश्याम कटिया जी, श्री भगवान सरार जी, हमारे सम्मानीय मित्र भानु जैन ने भाई बेहतरीन शॉट का नजारा पेश किया है पीतम ने एवं ग्राम खिलाड़ी से बेहतरीन छक्का पहली बार पर छक्का लगाकर पवन के मोमेंटम को गड़बड़ करने का काम किया है देव रिचर्ड। प्रीतम तिवारी ने, प्रीतम तिवारी बेहतर खेली है, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है ये, बिल्कुल लत हो जाती है रन बनाने की, आदत हो जाती है और अगर ये सेट हो गई तो ये आफत भी बन जाती है। राम भाई प्रीतम तिवारी को मैंने 5 साल से देखा है हमारे दमोह जिले में कई मैदानों पर, ये शानदार खिलाड़ी है, ये बड़ा नाम। बिल्कुल सही कहा कृष्णा भाई, अगर ये दोनों जम गए तो इनकी नैया लग जाएगी टीम की। अभी फिलहाल टीम की नैया को पार लगाना है, बड़े बड़े स्टार तो नहीं खेल पाए हैं। रन 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का ये खेल पवन पटेल के द्वारा, और पवन भी एक बेहतरीन बने हुए गेंदबाज है। इन कंडीशन में इनको हमेशा आजमाया जाता है, इनको विकेट लेने का बड़ा अच्छा तरीका भी है और ये विकेट दिलाते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है। एक ही लगा भागने साथ दिया विकेट के पीछे, बड़ी सफलता के साथ काम किया विकेट कीपर ने, पहली गेंद रन मिलेगा नहीं। 7 ओवर का ये खेल चल तो रहा है, विजय में दो कंडीशन नहीं है और हमारे मतलब हमारे क्षेत्रीय सहायक भाई फिटू भैया पहुंच रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन धन्यवाद। Thank you.
चौधरी स्कोर अंजाम पहुंचा है टीम साहेबगढ़ क्रिकेट कौन सी करके पहले बल्लेबाजी करता हुआ तो 125-30 रन तो बनते इतना स्कोर करना होगा साहेबगढ़ क्रिकेट टीम के लिए अपनी स्पीड से यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं बल्लेबाज के लिए चौंका रहे चाहिए क्योंकि केबल के पास से लाइन के साथ अगर अच्छी दिशा और लंबाई स्पीड बढ़िया है तो वो प्रभावशाली है बात कह रहा था हमारी पहला ओवर जो किया था काफी शानदार किफायती ओवर था और इस श्रृंखला में अभी तक 10 विकेट की गलत बताया था ओवर एक क्षेत्र की उन्होंने लगाई है तो क्रिकेट की पहली बार मोहम्मद जलालू की पाकिस्तान ने किया था एक मुकाबले में इन्होंने 5 विकेट भी लिए थे तोड़ने का काम मोहम्मद आमिर कर जाए कोशिश रही प्रयास किया अच्छा नहीं प्रीतम प्यारी का गेंद के कीपर के पास से इनके माध्यम से गेंद को रोका गया रन को मिलेगा नहीं 7.1 ओवर रन संख्या है 64 5 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद आमिर चले अच्छी है बिल्कुल समाप्त हो सकता है आप बॉलिंग पर रखा गेंद को थोड़ा सा बाउंस कराने का काम या थोड़ा सा संबंध गेंद ले लिया अधिकारी श्री गणेश पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हुए बॉल को स्वागत वंदन बॉल को खिला लोअर प्रसाद बॉल को फील्ड किया जाए आसानी के साथ चल कर निकलते हुए वहां पर उसको पहुंच जाएगा पैसा रन आधी की बात होने के बाद तो ये अंतर ओवर आठवां ओवर चल रहा है कहा जाते पानी का और इस ओवर के बाद मैदान पर ली जाएगी तो कहेंगे जुबान भाई चल है तो कल है जल ही जीवन है बिल्कुल और जल की जरूरत खिलाड़ियों को है हाँ बिल्कुल है और पंचायत बता रही है कि यहाँ पर पानी पहुंचना चाहिए क्योंकि कल जो है वो सूख रहा है और मौसम भी बता रहा है अपने देवर के लिए मेरे ख्याल से तो ये एक दो ओवर पहले दोनों मैदान ये पार कर रहे हैं हम इसका ना ये मेल ये नहीं करना चाहिए टीम के लिए बहुत बड़ी
मात्र मायने रखते हैं और एक रन की आवश्यकता नहीं थी। चार रनों के बाद स्कोर पहुंचा है 69 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का खेल। तो इन गलतियों से बचना होगा टीम एशेज बनाए क्रिकेट के लक्ष्य के लिए। एक मिनट हो गया भैया, बिल्कुल हमारे बीच हमारे राम भाई ने बताया है कि विनायक क्रिकेट क्लब में ऋषभ शर्मा अभी तक इस श्रृंखला में एक भी रन नहीं बना पाए। इस रिकॉर्ड से परिचित होंगे ऋषभ और अपने बंदे से भी खामोश रहा है इनका कैरियर। हालांकि घटा क्रिकेट ने रन बनाए यहाँ पर, ये ओवर मोहम्मद आमिर का बहुत प्रभावशील ओवर है। इन कंडीशन में रनों पर काम लगाने का जो काम शुरुआत से ही उन्होंने किया है और टीम एसेस बनाए क्रिकेट की गेंदबाजी बढ़िया रही है। अगर ये गलती को छोड़ना है इस ओवर में, अगर वो रन नहीं आते तो काफी चपाई थी ओवर। हाँ बोलो बोलो, हिसाब के साथ बढ़ाया पांच में खड़ेरी में पांचवी छठी गेंद में बाई की जा रही है और स्कोर 70 हुआ 5 विकेट के नुकसान पर। राजा सड़ा नहीं। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आमिर को लगाया गया है। बेहतरीन गेंदबाजी पिछले ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करने जा रहा एक और इस बार उनके सी है खाली से गेंद टकराई और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आज हमारे मुकाबला खेला देखा और सुना जा रहा है टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला टीम टाइगर क्रिकेट पहुंची। 8 ओवर की समाप्ति 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हम बता दें आप सभी के लिए रॉयल क्रिकेट खिलाड़ी के अहम खिलाड़ी मेहमान जी आईपीएल की या तो विकेट गिरा या चौका खिला या ओवर खत्म कॉपी राइट हो जाए उपस्थित हो चुकी है। कृपया दोनों ही मंच खाली कर रहे हैं। जो मंच के आजू बाजू में जो अलग से तकनीक आ रहे हैं हमारे खेल खेल के महान नेत्र प्रांत आगे मृतंग है
उपस्थित हो चुकी है। कृपया उनको जो मुतंगा के लिए बनाए गए हैं उनको अति शीघ्र खाली कर दें और यहाँ पर कुंडली बेचार होगी। जो आके ये सॉन्ग बज रहा है अभी लगातार न बजवाओ या विकेट के रहा जब ही बजवाओ म्यूट कर दे डाले बैठे खाली कर दे और राम भाई लुड़का तो आ रही है खेल करने के। देखिए ये लुड़का तो आ रही है हमारे जितेंद्र खरे बादल जी कहते हैं और देखिए जियरगंज और खेल का जो नाता है मैं भी यही कहूंगा लुड़का तो आ रही है खेल आता रहे का नहीं है यानी कि चलेंगे। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है अच्छी कह सकते हैं। अगर प्रीतम में अंतिम ओवर तक जल गए 170 इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि वो बड़ा नाम है बल्लेबाजी करने का उनको महारत है बेहतरीन खिलाड़ी है। और एक बात और मैं कहता हूँ उनको गेंदबाजी करना निश्चित तौर पर बड़ा कठिन काम भी होता है क्योंकि वो लेफ्ट आर्म शैली के बल्लेबाजी और किसी भी लेफ्ट आर्म शैली के बल्लेबाज के लिए किसी भी राइट आर्म शैली के गेंदबाज को मुश्किल काम पाना मुश्किल वाला काम नहीं होगा। उनकी उनका साथ आबादी की उन्नीस शक्ति हुई क्योंकि हर रुपये का फायदा देगी स्वीकार कर रहे बनाए पैर कौन बेहतरीन अपील और प्रीतम प्यारे नजरे भी जमा चुके हैं गेंदबाजों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। मैंने कहा है कि ये लेफ्ट आर्म शैली का बल्लेबाज है और राम भाई आपने बताया था कि आज हवा भी साथ दे रही है कहने को तो ये कि जाबाजों का कुछ भाग्य भी साथ देता है समय भी जाबाजों का श्री मनु मनिया जी एवं अजय ठाकुर जी जो की बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में आप दोनों भी फाइनल मुकाबले के एम्पायर और बहुत ही कड़क और सटीक निर्णय लेने के लिए वहां है। बिल्कुल पिकी बर्ड दोनों मैदानी एम्पायर को मैं पिकी बर्ड कहूंगा और ये महान नाम है मैदानी एम्पायरिंग में बाइक का इशारा ये संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है अंबाई स्कोर पहुंचेगा इसी एक बाइक के साथ 79 5 विकेट के नुकसान पर अब कहीं ना कहीं बहुत शानदार वापसी भी हो रही है टीम सागर क्रिकेट क्लब की। ये कैनी बाइक है अभी तक हमारे ऋषि भाई ने बताया है और पवन इस उम्र की तीसरी फिर से मिलेगी ये चौथी बाइक बारहवीं बाइक है अभी तक है पारी पारी का बारहवीं बाइक गलतियों से बचना होगा कहीं ना कहीं
अच्छी बॉलिंग करते हैं, खादार बॉलिंग की जरूरत है, लाइन नंबर बॉल सभी लोग क्लियर करते हैं, ये नहीं किया गया गौरव ठाकुर बैट्समैन के लिए, बॉलिंग के लिए बराबर बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करता हूं और कितने रन से अच्छे बल्ले वालों को मैंने जाते हुए देखा नहीं है करें मुसीबत का सबब बने हुए हैं, ये खतरनाक बल्लेबाज और हमारे क्षेत्र में आपने जयसूर्या का नाम इनको दिया है, मैं तो इनको पहले कह चुका हूँ, पांच साल से देख रहा हूँ उस क्रिकेटर के लिए बहुत खतरनाक बहुत शानदार बल्लेबाजी राजा भाई, ये लीगेंड ये महान, ये बहुत सकारात्मक सोच का खिलाड़ी है प्रीतम त्यागी, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा हिसाब किताब की बराबर कर लिया, चारों खाने ने दिया है, पवन ने बिल्कुल ब्लैक हेल्प से गेंद चली गई, स्टंप पे समा गई, पवन ने तो अपना हिसाब किताब पाई चुका है, बल्लेबाजी आउट हो जाते हैं लेकिन भविष्य का रास्ता यहाँ पर देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का जल्द की बॉल जिसको नहीं समझ पाए यहाँ पर शानदार पेटी रन बनाए पवन ने, इनकी पारी का अंत किया, ब्रेक होल से गेंद सीधा बोल्ड करके चली गई, 86 के स्कोर पर अभी तक का स्कोर हुआ। हेलो हेलो तो कृपा भाई साहब कहते हैं जिसकी ज्यादा तारीफ कर दी जाती है अक्सर निराश भी बनता है, और वैसा भी देखने को मिला आप एक लंबे समय से प्रीतम प्यारे की बिल्कुल तारीफ 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 की जा रहे थे, और प्रीतम प्यारे भी प्रदर्शन की झलक सभी के लिए दिखा रहे थे, लेकिन कहते हैं ये दुनिया है, ये जवान है, और इस जवान में हर जोर का तोड़ होता है और हर तोड़ का जोर होता है, और वही देखने को मिला राजा भाई, जो ये गेम है जो गेंद है ये फूल है, ये क्लोवर जैसा है हमारा धूमी गोल है, ये गेंद है धूमी गोल है, इसका बड़ा गोल है, जिंदगी बड़ी बेवफा है, जिंदगी बड़ी बेवफा है, देती है बहुत बहुत बड़ी दिल रुबा है, इंद्र से गले लगाएगी, ये गेंद के साथ होना चाहिए, और ये गेंद कैसी है, इसलिए समझ पाया है जी, देखो गेंद का राज गोल लेकिन सामने से रफ्तार का जादू कहा जाता है, और वही नजारा देखने को भी मिला प्रीतम प्यारे का समाप्ति हो चुकी है, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 86 रन, आधा दर्जन विकेट डाउन होने के बाद बहुत बड़ा हमारे मित्र में हमारे नाम से श्री चंदाल गोस्वामी सभी मंगल की गाड़ी से पधारे, श्री गंगा रोगी जी एवं भरत सिंह जी आरंभ से आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे रवि भाई ने एक बहुत अच्छा विवरण दिया था, और अभी तक रवि भाई ने बहुत बेहतरीन एनालिसिस भी किया है पूरे टूर्नामेंट में, हम बताते हैं समय क्लासेस एरोला पुलिस पटवारी भेज देंगे नए को बैठते हैं इनके लिए कोचिंग क्लासेस की शानदार व्यवस्था हमारे बीच है, जिसके संचालक भाई मनोज पटेल जी है, मोहम्मद आमिर पटेल के साथ शुरुआत है, इन्होंने भी अभी स्कोर पहुंचेगा 27 की 6 विकेट के नुकसान पर पहली बारी के अभी तक इस पहली इनिंग्स के 10 ओवर की जो की शुरुआत हो रही है, मोहम्मद आमिर सामने इनके बल्लेबाज लाखन
किशोर ने एक बार में बदल चुके हैं कलाक मंगल काल में एक रन मिलेगा। बड़े आराम के साथ प्रशांत ने गेंद को फील्ड किया, एक के साथ अब स्कोर 88 रन का पर भी लगाम कसा है। लेकिन वो कहते हैं कि फिक्र को करता है कि फिक्र से होता है क्या, फिक्र को करता है कि फिक्र से होता है क्या, और करने बाद फिक्र भरोसा और बेफिक्र होता है क्या। और बिल्कुल आमिर अपनी फिरकी में फंसा रहे हैं, जो उनका जाल है फिरकी का प्रशांत समझ रहे हैं। और कृपाल भाई आपको बता दें, आमिर ने सुना है हमें अमरों के उद्घाटन मुकाबले में शायद हमारे, और इसी के साथ एक बार फिर से पड़ गया गेंदबाज करने के लिए और कर लिया है। और चारों के लिए सबसे बड़े था लेकिन जो साहेब का खेमा है बिल्कुल एक निराशा के समंदर में डूबता हुआ एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि बिल्कुल चारों तरफ मान दिखा गई है। चारों के दर्शक है बिल्कुल एक थामे से मैदान में बैठे हैं। अर्थात की सात गेंद के स्थान पर कमोबेश ये सूरत हाल है। अभी तक स्कोर बोर्ड है हमारे ऋषि भाई बता रहे हैं बहुत बेहतरीन स्कोर है ऋषि है। और एक और गेंद का आना तय हो चुका है। मोहम्मद आमिर कहीं ना कहीं इनको ये आदत जो है विकेट लेने की अभी आदत आफत में बदल रही है टीम टाइगर के लिए जी बिल्कुल आपने पहले भी कहा था बिल्कुल याद पहले भी कहा था तो आमिर एक बिल्कुल कटर सारा गेंदबाज है एक फिरकी के जादूगर भी है मीडियम प्रेशर भी है और बीच बीच में सुदीप गए लेखराम नहीं है यहाँ से एससीसी की स्थिति खराब नजर आ रही है। दसवां ओवर 88 रन 7 विकेट सीमेंट पिच है फिर भी नहीं खेल पा रहे हैं, क्या माजरा है। यहाँ 200 रन बनेंगे तो कम है, ना कोई वेरिएशन है बॉलर में के लिए, लेकिन की चाय होगी। सीधी बॉल आ रही है फिर भी सीधे चला पा रहे हैं जो भी टीम टकराई है बिल्कुल हार का सामना कर रहा है। और वही वजह से आज दोनों टीमें इस फाइनल मुकाबले में लड़ रही है एक दूसरे के सामने। और बिल्कुल अशोक का जो अंदाज में गेंद एम्पायर का इशारा बाएं के साथ में बलवंश और सुदीप के काफी सर के ऊपर से गेंद गई थी। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है आमिर बिल्कुल बॉलिंग पिच नहीं है भाई साहब बैटिंग पिच एक प्रयास रोमांचक मुकाबला देखने के लिए मिले। और इसके साथ हाथ से गेंद टकराई और ओवर के साथ खेलने का तरीका गलत दिख रहा है मुझे तो यहाँ से 10 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट का शानदार अब पूरी टीम बाहुबल में सितारे हमारे बीच है पत्रकार पत्रकार भाई दर्शक भी आते हैं अभी तक तीन सागर परिस्थितियों में बल्लेबाज ने
दैनिक भास्कर के पुरुष संपादक पंडित श्री राजू महाराज जी उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे टूर्नामेंट में आपका सराहनीय योगदान, प्रतिदिन पूरे टूर्नामेंट की पूरी खबर दैनिक भास्कर में लगाई जाती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे बीच के राजू भरिया जी, ब्रिजेश सोसाइटी की और कृतिक मुकाबले का हमारे बीच जो प्रिंट मीडिया है यानी आज का अखबार है, हर मुकाबले का इन्होंने सीधा हमारे बीच देश दुनिया में इन मुकाबलों का विवरण इन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, राजू जी आपके लिए पालिका ये गैप ओवर अरे परिणाम शुरू कर रहे हैं। 16 ओवर के इस मुकाबले में सामने इनकी बैट्समैन लाखन बाइट का ये इशारा, ये चौथी बाइट अभी तक किशोर पहुंचा 90 रन 7 विकेट के नुकसान पर। देखिए इसमें 90 में बतौर बाइटिंग तो बल्लेबाजों ने आज कर हम जिक्र करें, देखिए हम बता दें 3310 ये दो बल्लेबाज पूरे अंक तक पहुंची है। ये निराशाजनक बल्लेबाजी है आज टीम टाइगर क्रिकेट टीम की। अरे परिहार एक खराब बल्लेबाजी का नजारा पेश किया सभी दर्शकों के सामने, सभी मंचासीन लोगों के सामने, लेकिन कहते हैं गुरु कि बनता वही है जो सहना जानता है और जीतना वही है जो लड़ना जानता है। अब ये तो वक्त ही तय करेगा कि किसकी जीत होती है किसकी हार होती है और इसमें सारे पार्थ और लाखन शुरू करने होंगे कि गेंद को समझना है, देखना है, पारखना है और फिर उसी अंदाज में अपने बल्लेबाजी का काम जारी रखना है, क्योंकि उनके जितने जो बहुमूल्य सितारे थे, जितने टूट बैठे थे, वो पेवेलियन में जाकर निराश हताश होता है बैठे हैं। क्या कहेंगे तुम आप? हाँ बराबर है और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा काम नहीं किया। अगर 35 से हम पीतल के रनों को छोड़ दें तो बल्लेबाज को ज्यादा काम कर नहीं पाया। इस बार जरूर तारामंडल से गेंद शानदार रन जो दबाव था बल्लेबाजों के ऊपर, कहीं ना कहीं दबाव से बाहर निकालने का काम बल्लेबाज लाखन ने किया। ये काम यहाँ से करना होगा जी बिल्कुल। पवन फील्डर बहुत शानदार ओवर है हमारे आयोजन पैनल के द्वारा, हमारे कमेंट्री बॉक्स खेल सकता है, करेगा 500 रुपए मिलेंगे उनसे बल्लेबाज के लिए। हाँ बिल्कुल, ये सम्मानी मंच जो मौजूद है और उस पर हिट करना होगा बल्लेबाज के लिए। रन तो मिलेंगे मिलेंगे आपके लिए, स्कोर बढ़ेगा बढ़ेगा आपका, 500 रुपए भी मिलेंगे और दर्शकों के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर हमारे बीच समय के लाल से एरो रवानों के माध्यम से रखा गया है और जो आज दर्शकों की संख्या आप देख रहे हैं बहुत शानदार है। हमारे बीच बढ़िया दर्शक देखना खटाखट भरी हुई है सभी दिशाओं में, दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं। अजय पर सीमा रेखा के बाहर और रन ओवर समाप्ति का इशारा, रन पर किस प्रकार हित है जैसे बनता है अच्छा किस प्रकार कर सके। हाँ अपने नाम लिखवा जाए पवन जी देख सकते हैं, इनका नाम नोट है पकड़ो कैच जीतो कैच, पकड़ा है दत्तू हरिमान सिन्हा पकड़ो कैच जीतो कैच से हरिमान पूरे टूर्नामेंट में पकड़ो गए जीत गए नाम इसको 104 11 ओवर समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर अभी तक ये टूर्नामेंट की बात करें तो वाकई एक बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ है, आयोजित करने के लिए बिल्कुल अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है इस टूर्नामेंट को चार साल लगाने में।
हम बिल्कुल अनुकूल है ये बात, अनुकूल परिस्थितियां है और इन अनुकूल परिस्थितियों में बड़ा राज दिया रहा है बल्लेबाजों को। बल्लेबाजी का नाम मोहम्मद आमिर आए हैं, मोहम्मद आमिर के लिए यहाँ पर मौका बना है, खेल खड़ी हो गई है, टिकट लेने का मौका एक और को चर्चा किया है। ये बेहतरीन मोहम्मद आमिर की जाए यही ठीक है।
धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते भी आंखें जम जाएंगी, ऐसे बेहतरीन शॉट लगाता जा रहा है। विकेट इन्होंने बताया है कि अगर नरेश पटेल ये दौड़ विकेट ले जाते हैं टीम फायर के तो 500 रुपए का इनाम इनको हमारे दयालु भाई जी को मिल रहा था कि मंडल से पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर अभी तक ये विडंबना आज रिकॉर्ड है। जैसे चर्चा की और यहाँ गेंदबाजी में भी नरेश को मार दिया है और फिर कैप्टन अच्छी कैप्टनी का भार संभाला और अच्छी कैप्टन मुझे अभी तक नहीं आ रहा, मुझे लगता है मोहन सिंह को नोच आ गई थी और उनको व्यवहार दिया गया है, उनकी मार स्टेशन में खिंचाव आ गया है और यहाँ कैप्टनी का भार भाई मुझे लगता है ऋषि के लिए सौंपा है। पूरा हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता है। अब तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ जो नहीं सी गेंदबाजी की बात की जाती है काफी अच्छी मंच अतिथि खाली करने के लिए बना है बेहतरीन बनाने वाला मंच हिंदी हमारे बीच में हमारे बुंदेलखंड में मृतन मनाए उपस्थित हो चुके हैं आपके द्वारा बुंदेली और हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी है क्योंकि बुंदेलखंड की रीत है प्रीत है और खंड की रीति बात कर रहे हो तो अब बुंदेलखंड को देखने को मिलेगी बिल्कुल दूर, लेकिन जो आपने कहा कि आखिरी जोड़ी मैदान में खेल रही है तो बिल्कुल यही कहेंगे कि अगर मुश्किल को नहीं आ सकते तो घबराने से क्या होगा और जीने की तरकीब निकालने में मर जाने से क्या होगा। भाई ये क्रिकेट है इंसानों में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है बिल्कुल उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं लेकिन यहाँ उसी पारी की उम्मीद लगाकर बैठी हुई है टीम भारत के साथ बांग्लादेश के Thank you.
हमारी तो बिल्कुल मांग कर दिए है यूनियन की, इसलिए पार्टी लिए शेयर पेंडिंग में चाहूंगा। अगर किसी कृपया दर्शन मंच से ठीक है दाएं ओर तो मंच है, से आप नहीं है उनको भी आप हटा दें, क्योंकि हमारे बुंदेलखंडी परंपरा का निर्माण यहाँ अग्रिगो के खेल में हो रहा है। ये अग्रिगो का गार्डन है, लड़का तार रही है तो खेला तार सभी का हम कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और तेरा में लेकर अभी अर्जुन परिहार ईश्वर है इसाना ही माउस हो गया। और एक और भाई मिलेगी गेंद, धनवान का इशारा भी मिला है अजय परिहार के लिए। सॉन्ग
और साथ में वो डेली धमाका भी चलता मैच का खत्म आनंद लेते हुए हर दर्शक क्या पवन आए पवन एक बार फिर से रफ्तार का कर दिया बेल बॉय और कुछ बात नहीं तो अद्भुत गेंदबाजी का नजारा एक बार फिर देखने को मिल रहा है क्योंकि पवन एक मात्र ऐसे गेंदबाज है कि जब हर एक गेंदबाजी के माध्यम से बिल्कुल इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में छाप छोड़ी है क्या करेंगे आप बराबर और अपनी गति से को प्रभावित करते हैं बल्लेबाज के लिए आज हरा की विकेट ज्यादा नहीं ले पाए हैं और बेहतरीन हवाई फिर जमीनी मार्ग से नहीं मिलेगी गेंद फील्डर के लिए सीमा रेखा के बाहर दर्शक भाई इंटर और रन इंटर के साथ एक स्वागत है सम्मानीय मंच का सभी दर्शकों का दोनों क्रिकेट टीमों का दोनों मैदानी एम्पायर से हमारे बीच राजा भाई हमारे राम ऋषि भाई ये पर टीम है सभी का स्वागत सभी दर्शकों के साथ और जहां नजर दौड़ाइए ये क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ क्रिकेट दर्शक यही क्रिकेट का दुकान है क्रिकेट का ये दुकान है हमारे सभी द्वारा ऐसा ने किया है
पर हमारे बीच में हमारे परम सम्मानीय भैया ये तो आई नचना नहीं इसे हमें फोन वगैरह से म्यूट करने पड़ रहा हूँ क्या कर रहे थे तुम्हारे छह बजे थे सीमा घर में कटा रही थी बहुत सारे बंदर मेरे और हमारे नीचे छह बजे देख से भाई मंगल पटेल जी भाई सीमा बटुली बहुत सारे बंदर मेरे अंदर है हमारे यहाँ की कमी नीचे माध्यम से 40 हो गए सभी सम्मानीय मंत्री सभी दर्शकों का इसको बोल पर नजर दौड़ा लें स्कोर 142 9 विकेट के नुकसान पर स्टोर में ओवर का ये खेल चल रहा है सुमा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आइए एक साल लगा रहे हैं हाथ से कैच लिया है और है अपनी बालिका को भी लिए थे ये क्रिकेट में पहली बार हुआ है आज तक नहीं हुआ है छोटी सी बालिका को लिए हुए उन्होंने एक हाथ से कैच लिया है सुबह बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बीच समय के लाते माध्यम से ये 500 रुपए की राशि का जो ऑफर रखा गया था बिल्कुल प्रयास किया है हमारे बीच बहुत शानदार काम हुआ और इन छह रनों के बाद स्कोर पहुंचेगा 149 रन ये हवाई प्रमाण चल रहा है स्कोर सुना भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम शुभकामनाएं सुना बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल भैया का और सर्वप्रथम तो मैं आज के आयोजन में जो ये क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है यहाँ के आयोजन में जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के साक्षी हैं आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ आपका अभिनंदन करता हूँ आपका स्वागत करता हूँ और ऐसे टूर्नामेंट की जो आयोजन समिति है सीमा भाई जितिन देवभाजी का भी बहुत बहुत स्वागत सम्मानीय आयोजन समिति के द्वारा चलिए समस्त आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऑलम खुला है सुबह ये ऑलम खुलवा है मैं एक